प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मौजूद गुफ्तगू मुल्क की सियासी सूरत हाल है और क्यों ना हो, बताया ये जा रहा है कि आम इंतखाबात जो हैं वो करीब हैं और उसी के सिलसिले में ये सारी सियासी हलचल है। तो बहरहाल इसके ऊपर बात की जाएगी यकीनन। मुख्तलिफ मेहमान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, अब से कुछ देर पहले भी हमारे पास जो मेहमान मौजूद थे उनसे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी। प्रोग्राम का ये जो हिस्सा है, अमूमन हम हमेशा बात बताते हैं, जो प्रोग्राम शायद पहली दफ़ा देख रहे हैं उनके इल्म में ना हो कि दूसरा जो सेगमेंट होता है वो सेहत के हवाले से हमने मख्तस कर रखा है, जो सियासी मामलों से हट के जो आपके सेहत के हवाले से मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाती है। तो हम आज भी दूसरे हिस्से में हम कोशिश करेंगे कि बल्कि सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करें। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएं, इनको खुश आमदीद कहूँगा। सईद मोहम्मद हसनैन सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ साथ PS 121 के उम्मीदवार भी होंगे जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें। तो हसनैन साहब को खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया हसनैन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अब हसनैन साहब, वैसे तो आपकी ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज़ हम देखते रहे हैं और ख़ास तौर खेलों के साथ और नौजवानों के साथ आपका जो है वो वक्त सर्फ होता है। आप ख़ुद भी माशाल्लाह नौजवान ही हैं, ये एक बड़ी खुशाइन बात है। मैं हमेशा से आपको देखता आया हूँ कि आप नौजवानों में ख़ास तौर पे जो सेहतमंद एक्टिविटीज़ हैं इनको प्रमोट करते रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के खेलों के मुकाबले भी करवाते रहते हैं। ये सियासत में आने का ख्याल कैसे आया? अच्छा ख्याल है, लेकिन ये ख्याल कैसे आया कि अब सियासत में बाकायदा हिस्सा लेने की ज़रूरत है? फरमाइए। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप सबसे खैरियत पूछते हैं, आज मैं सोच रहा हूँ आपसे खैरियत पूछूं। आसिफ भाई, आप कैसे हैं? बिल्कुल बड़ा मेरे रब का करम है। माशाल्लाह, देखें, अल्लाह ताला ने इंसान को भेजा है दुनिया में अशरफुल मखलूकात बनाकर। अब उसके ऊपर हर किसी की जिम्मेदारियाँ देके भेजी हुई हैं। अब जब बच्चा कोई पैदा होता है या किसी को दुनिया में भेजते हैं, अल्लाह ताला उसके हाथ में विजिटिंग कार्ड, डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट, डिग्री लेके नहीं भेजते कि तुमने जाके ये काम करना वाह है। ठीक है, अगर अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा दिल दिमाग जहन दिया हुआ है, उसको यूटिलाइज करना पड़ता है वक्त के हिसाब से। और अपनी सलाहियत आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, मतलब खुद से ज़्यादा अपनी सलाहियत को नहीं जान सकता। तो मुझे पता है मैं किस सलाहियत का हामिल हूँ, तो मैं उस सलाहियत को बुरे कार लाते हुए मुझे जहाँ पर नौजवान का सपोर्ट करना होता है वहाँ पर नौजवान का सपोर्ट करता हूँ, जहाँ बुज़ुर्गों के साथ चलना होता है वहाँ बुज़ुर्गों के साथ चलना होता है। इसी चीज़ों को देखते हुए और मुल्की हालात को देखते हुए, अपने अपने आवाम को देखते हुए, जो अभी तक 76 साल के बाद तक भी बुनियादी हकूक से महरूम हैं, पानी घर ऑफिस से घर जाते हैं तो पता चलता है मीठा पानी नहीं है, तो वो मीठा खारा पानी भरने की लाइन में लग जाते हैं, वो थके हारे आते हैं। पता चलता है कि बच्चों की फीस एक अब महीना महीना साल इस तरह गुजर रहा है कि दिन और हफ्ते में हफ्ते में ठीक है, तो अब वो सैलरी फैली 30 दिनों में एक सैलरी जो मिलती है वो ट्यूशन फीस एग्जाम, वो ट्यूशन फीस स्कूल फीस में चले जाते हैं। कुछ अच्छा ना खा सकते हैं आवाम, ना कुछ पी सकते हैं, इतनी महंगाई कर दी गई है, हुई नहीं है, कर दी गई है। तो इसी सिलसिले में ये सब चीज़ें सोचकर आवाम आवाज़ नहीं उठाती। अवाम अपने नुमाइंदे चुन तो लेती है, अब किसी तरीके से भी लोग नहीं वोट डालते। 1000 वोट हैं तो 200 लोग वोट डालते हैं, लेकिन फैसला तो उन 200 में तो हो जाता है। असेंबली में लोग भी पहुंच जाते हैं, लेकिन असेंबली में जो लोग पहुंचते हैं वो करोड़ों रुपए लगाकर अपनी कैंपेन चलाते हैं। सबसे पहले आप समझते हैं कि आप क्या वो सबसे पहले उन करोड़ रुपए को वापस लेने की कोशिश करते हैं। जब वो वापस लेंगे तो अवाम को वो करोड़ रुपए का बजट जो मिला था उनको अवाम के लिए, वो तो पहले अपने लिए समेटेंगे कि अपने जो पैसे मैंने लगाए वो वापस मिले। जैसे एज ए बिजनेस मैन जो होते हैं, इन्वेस्ट जो करते हैं उसका प्रॉफिट लेते हैं। इसी सब चीज़ों को देखते हुए इस बार मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से एक बड़ी तादाद में यूथ ने इस इंतखाब आम इंतखाब 2024 में हिस्सा लिया है। उनका मकसद, सबका मकसद ये है, मेरे ख्याल में मेरा मकसद जब ये है तो तमाम यूथ का यही मकसद होगा कि जो लोग घरों में रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं पर कर कुछ नहीं पा रहे, क्योंकि इस वजह से आवाम, ये जो लोग आ रहे हैं जो MBA किए हुए हैं, ग्रेजुएशन है, वो रक्षा चला रहे हैं, डिलीवरी बॉय बने हुए हैं, तो अब ये और मुल्क में एक मखसूस टोलों की हुकूमत हमेशा आती रही है या फिर उनके पसंदीदा लोगों की हुकूमत आती रही है। तो इस बार इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि इंशाल्लाह यूथ आई है मैदान में और बड़ा चेंज आएगा। और मैं इसी सिलसिले में किसी, अभी 10:15 हो रहे हैं, मैं अभी तक किसी भी सियासी जमात का हिस्सा, कारकुन या अहदेदार या किसी किस्म का कोई ताल्लुक मेरा नहीं है। मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ,
PS 121 औरंगी टाउन जिला गरबी से। बिल्कुल ठीक है। मकसद मेरा यही है कि आवाम की खिदमत करना। मुझे ना खाने की कमी है अल्लाह ताला ने रखी है, ना पीने की कमी रखी है, ना फाइनेंशियली मैं वीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ है मेरे पास। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ मुल्क और मुल्क के आवाम की खिदमत करना है, और अपने इलाके के आवाम के मुश्किलात परेशानियों की जो आवाज़ उठानी है, अगर इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर जीतूंगा, मैं जीत जाता हूँ, असेंबलियों तक आवाज़ उठानी है, ना सिर्फ आवाज़ उठानी है, अपनी मजबूरियों परेशानियों को गिनवा कर उसको हल भी करवाने की पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि वो ये वो जगह है जहाँ पे तमाम मिनिस्टर बैठे होते हैं, मिनिस्टर है। वाटर के भी बैठे होते हैं, खेल के ही बैठे होते हैं, तालीम के ही बैठे होते हैं, उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट करनी है कि भाई हमारा इलाका है जिसे आप लोगों ने, जिसे पहले के लोगों ने कच्ची आबादी का स्टैम्प लगाई हुई है, उस कच्ची आबादी के स्टैम्प को ख़त्म करना है, क्योंकि वहां पर अब कच्ची आबादी नहीं है, वहां पे बिल्डिंग्स हैं, वहां पे भी सड़कें हैं, आप नहीं बना रहे वो अलग बात है, आपको बजट मिल रहा आप नहीं बना रहे वो अलग बात है, लेकिन वो कच्ची आबादी अब नहीं रही, वहां से निकलकर लोग पूरी कराची में फैल रहे हैं और पूरी कराची के पैसे को पूरे पाकिस्तान में यूटिलाइज किया जा रहा है। वो औरंगी टाउन है जहाँ से लाखों की तादाद में एम्प्लॉई निकलते हैं, बड़े बड़े ओहदे पर बड़े बड़ी कंपनियों में बैठे हुए हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके सपोर्ट से मुल्क चल रहा है, बहुत खूब, लेकिन औरंगी को पीछे रखा गया है। ठीक है, चलें अब जरा हल्के के हवाले से बात कर रहे हैं। देखिए हम लोग अभी भी सियासी शोर के मामले में इंतहाई पसमानदा है, बड़ी तल्ख बात है अब जो कहने जा रहा हूँ, ज़रा सुनिए। आपके हल्के के अंदर मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ बनी हुई हैं और बड़े तवील अरसे से उनकी सियासी वाबस्तगियाँ किसी न किसी जमात के साथ रही हैं और लामहाला उनका वोट भी उन्हीं के लिए पड़ा है हमेशा, जिसको किसी तौर पर तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। आप उनके दरमियान जाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी आखिर में जब वोट डालने की बारी आती है तो इस चीज़ को हमेशा मलूज़ खातिर रखते हैं कि हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। ऐसा ही हुआ है अब तक जो इंतखाबी नतीज मैंने देखे हैं। तो ये कहना कि जी सियासी शऊर आ गया, वो आ गया, वो हो गया, सियासी शऊर की इस वक्त जो कैफियत है, जो हालत है, वो ये है कि एक सियासी जमात ने सोशल मीडिया के ज़रिए जहनों को आलूदा किया, जिसको वो सियासी शऊर का नाम दे रहे हैं। वो जो रिफ्लेक्ट होता है उनकी बातों से, जो कुछ मैं देखता हूँ पढ़ता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, वो उसके ऊपर ढिटाई के साथ खड़े हैं, इसलाह करने के लिए तैयार नहीं है। अगर उनको कोई बात बताई जाए तो वो ये समझेंगे कि शायद आप उनसे दुश्मनी कर रहे हैं। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ख़ुद को पढ़ा लिखा गर्तानते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियों के जो तालिब इल्म हैं, बच्चे हैं, वो भी उस आलूदगी का शिकार हुए हैं। अब बताइए मैं इसको सियासी शऊर का नाम दे सकता हूँ? तो मैं कैसे ये उम्मीद करूँ कि एक उम्मीदवार जो कि उनके दरमियान रहता है, अगर उनकी लामाला कम्युनिटी से बिलोंग ना करता हो, आज भी आप देख लीजिएगा वोट पड़ेगा, इसी चीज़ को ध्यान में रखा जाएगा कि हमारी कास्ट कम्युनिटी का है तो उसको वोट देंगे, अदरवाइज वोट नहीं मिलेगा। कैसे फिर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, कैसे लोगों को कायल करेंगे, वो फरमाइए। सर एक दो लाइन पहले कहूँगा, वो जो कहते थे मैं सूरज हूँ करूँगा रोशनी, उनके आने से अंधेरा और गहरा हो गया। वाह बिल्कुल आपने सही कहा, उनके लिए बिल्कुल सादर आता है। अब ये है कि देखें मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ, टीमें चलाता हूँ, मैं मिसाल वहाँ से दूंगा आपको कि हमारी टीम में 11 लड़के हैं जी, तो हम ओपनर उसी को भेजते हैं, अब वो किसी भी जबान का हो, बिल्कुल ठीक है, हम ओपनर उसको भेजते हैं जो अच्छा खेलता है, अच्छा खेलता है, हमें यकीन होता है कि ये बंदा अच्छा काम करेगा या जीत जाएगा, या मेरी कम्युनिटी का है इसको भेज दो ये अच्छा खेलेगा, ओपनर भेज देते हैं और वो रन बना के आ जाता है। अब यहाँ पे आवाम के सामने ऑप्शंस नहीं होते, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शंस नहीं होते, ऑप्शंस रखेंगे तो आवाम यकीनन उन चेहरों को समझेगी, पसंद करेगी जो इससे पहले नहीं आए इलेक्शन में, वोट में नहीं आए। अब मैं कहता हूँ इस दफ़ा इलेक्शन में सियासी पार्टियों से लोग उकता सा गए, सब सियासी बातें करके स्टेज पर चले जाते हैं। मैं तो कहता हूँ भाई हलफ लेकर आप दें और गारंटी दें कि मैं इस बार अगर काम ना करूं, मैं नहीं मतलब सियासी जमातें काम ना करूं तो आप मैं रिजाइन कर दूंगा, ये सुनते हुए तो हम आ रहे हैं बचपन से, लेकिन आज तक ये मिसाल कायम नहीं की किसी। अच्छा मैं ये सवाल इसलिए करना पड़ता है कि मुझे याद है कि यहाँ से 2018 के अंदर एक कैंडिडेट को लाया गया था और उसका काम ये होता था कि वो सोशल मीडिया की जरिए उसकी लॉन्चिंग हुई, उसको प्रमोट किया गया, कचरे के ऊपर बैठ के कुर्सी लगा के तस्वीरें खिंचवाना, ये उसका वो स्टाइल था, एक काम तो खैर नहीं आता था, बहरहाल ये उसका तरीका वारदात था। और उसके बाद जब वो वहाँ से कैंडिडेट जितवा दिया गया कहने दीजिए, तो उसके बाद उसको वफाकी वज़ीर का कलमदान सौंप दिया गया और वो भी पानी और उसकी तवानाई की उसके पास मिनिस्ट्री उसके पास आई, तो वो पूरे मुल्क के लिए जिम्मेदारी उसके पास थी,
तो मुल्क के लिए तो वो क्या करता, उस हल्के के अंदर पलट कर वो जाने के लिए तैयार नहीं था। मुझे याद है कि एक दफ़ा जब उसको जाना की जब हाजत पेश आई, तो उसके लिए उसने सिक्योरिटी फोर्सेस को, इनको सबको जमा किया, उनके आगे हाथ जोड़े कि मुझे अपने हल्के के अंदर लेके जाओ ताकि मैं दो चार फोटो बनवा के वहाँ से वापस आ सकूँ। ये इस हल्के की बदकिस्मती रही। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब उसके ऊपर वफाकी वज़ीर के अहदे से वो फारिग हो गया, करवा दिया गया, तो जनाब जब दोबारा इंतखाबात हुए तो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट अब्दुल कादिर मंदुखेल हुआ। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने मैं दोहराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए बिल्कुल दोहरा रहा हूँ, कराची के अंदर ये कुछ होता रहा है कि वहाँ से कामयाब हो गए। पीपल्स पार्टी जिसने शहर की जो हालत की वो आपके सामने, उनका कैंडिडेट शहरी इलाकों से जीत रहा है, ये कुछ होता रहा है। ये मैं कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, ये अभी की बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे हुआ। अब ज़रा फरमाइए, ऐसे हल्के से मैं क्या उम्मीद रखूँ? जी। हल्का आप शायद बल्दिया वाले हल्के की बात कर रहे हैं। जी 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 जो अल्हम्दुलिल्लाह वो माशाल्लाह खुद ही खाते पीते घराने के थे और उनको पता था मेरे पास इतना इतना माल है कि अगर कोई आवाम मेरे पास आती है तो उसको मैं एक मुट्ठी निकाल के भी दे दूंगा अच्छा मैं तो सॉरी, खामोश करवा एक चीज़ सकता की हूँ। और निशानदेही कर दूँ, ये इसलिए मैं तذکرہ कर रहा हूँ कि ज़्यादा हालात मुख्तलिफ औरंगी के, बल्दिया के और मज़ाफ़ाती इलाकों के ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सूरत हाल दोनों इलाकों में कमोबेश एक जैसी है, थोड़ा सा फ़र्क उसका है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ ये कुछ हो रहा है वहाँ पे भी, बुनियाद यही बन मैं रही इस थी। कैमरे में बैठकर हल्फियन बोल सकता हूँ कि इसमें सारी की सारी गलती आवाम की है। देखिए ठीक है, आवाम क्यों नहीं उन तक जाती है, बिल्कुल सही। क्यों नहीं जाती है और क्यों नहीं पूछती है कि भाई मैंने वोट दिया आपको, इतने बजट मिला है 15-15 लाख करोड़ रुपए के बजट मिल रहे हैं, आप कहाँ यूटिलाइज कर रहे बिल्कुल हैं, बात कहाँ सही। लगाया आपने, मुझे बताएं, मुझे चेक कराएं। या फिर अगर आप इतने पासदार हैं, इतने अच्छे हैं, पारसा हैं, तो आप अपनी इतने अपने लिस्ट लगाएं, आप लिस्ट लगाएं कि ये पैसे मिले मैंने यहाँ यहाँ पे यूटिलाइज किए, ताकि आवाम क्रॉस चेक कर सकें। देखिए ठीक एक है, तो हमारे मुल्क में ऑडिट का रसम ही नहीं है ना, बिल्कुल नहीं ऑडिट का रसम इसलिए नहीं है कि ऊपर है, से नीचे तक अल्हम्दुलिल्लाह सारे करप्ट हैं। सब बिल्कुल हिस्सेदार हैं, सही, सब बिल्कुल सब हिस्सेदार हैं, करप्ट हैं, सब खुल हिस्सेदार के हैं, गई। और इलेक्शन लड़ने से पहले भी दिए जाते हैं, इलेक्शन लड़ने के बाद भी लिए जाते हैं, लेना देना तो चलता ही रहता है आखिर तक, बिल्कुल ठीक तो है, आवाम की तरफ कोई रोक ही नहीं करता। अच्छा आवाम आवाम को उलझा दिया जाता है, पानी बिजली गैस, अब तक हम पानी बिजली गैस सीवरेज लाइन ढक्कन में अटके हुए हैं। दूसरे मुल्कों में सफर जाके आए देख रहते लें हैं, आप, वो बिल्कुल सही। हवाई जहाज बना रहे हैं, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, उससे पायलट बात बना रहे बहुत हैं, आगे निकल चांद गई पर है, जा रहे मरीख हैं, पे जा रहे और हैं। हम लोग अभी तक गटर के नाले और सीवरेज के निज़ाम के लिए दरख्वास्त लेके लाइनों पे लगे हुए हैं, जहाँ पे वहाँ पे भी आवाम को लिफ्ट नहीं कराया जा रहा, उसी आवाम को जिस आवाम के वोट से रुसवा हो तुम रहे इस्लामाबाद असेंबली तक जा रहे हो, वहाँ पे क्या कर रहे हो आप लग्जरियस ले रहे हो अपने लिए यार, हिसाब ये इस्लाम बोलते हैं हम मुसलमान नहीं नहीं हैं, नहीं ईमान ईमान हमारे अंदर भी, हम ना भी मुसलमान मुसलमान हैं, होना तो सबका भाई है। इन हाँ चीज़ों का भी हिसाब देना पड़ेगा। जब जी इतने जी लाख रुपए लाखों आवाम की आप नुमाइंदगी करने की असेंबली में गए और वहाँ अपनी नुमाइंदगी नहीं कर रहे, तो इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। बिल्कुल ना सही है। आप ये उठा के देख लें कितने भी MNA MP पिछले एतवार में जो जीते हैं, अभी उनका असासे चेक करें और अभी का असासे चेक कर लें, आप खुद देख लेंगे कितना फ़र्क पड़ा है। लाइफ उन कोई स्टाइल चेंज हो पूछेगा गए उनसे, खैर। एक 1.5 लाख रुपये तनख्वाह अगर मिल रही है, 1.5 लाख रुपये महीने में, हम मैं समझ रहा हूँ 2 लाख रुपये का महीना, 1.5 लाख रुपये महीना खर्चा है घरों का, अगर वो 1.5 लाख रुपये सैलरी मिल रही है वहाँ से असेंबली से, तो 1.5 अरब रुपये के असासे कैसे बन गए आपके। नहीं, मैं आपसे क्या कहूँ, मैं बड़े सच्ची बात करता हूँ। मैंने तो किसी से कोई गाड़ी नहीं ली, कोई मैंने कोई वो नहीं लिया। यहीं पर इसी प्रोग्राम के बाद कुछ ऐसे लोग थे जिनको मैंने किराए की टैक्सियाँ अपने टेलीफोन से बुक करा कर दी हैं। इलेक्शन जीतने के बाद डालों के अंदर आए हैं वो गार्ड्स के साथ। ये यहाँ यहाँ पर हो रहा है, मैं किसी बार की बात बात नहीं बता रहा, इस गुनहगार ने मैं ये यही कह काम रहा हूँ, किया मैं है, भी यही कह रहा हूँ ना, फरमाइए। मिलने से इलेक्शन से पहले भी लेना देना शुरू हो जाता है, इलेक्शन के बाद तो फिर आप बात ही खत्म हो हाँ जाती हाँ है। फ्लैट बने, MR के अंदर प्रॉपर्टीज तो बनी, भाई मैं क्या आवाम को बोलूँ, नाम जागना होगा, बताऊँ आवाम आपको ऐसे लोगों को चुने जो जिनको आजमा चुके हैं, उनको भूल जाएं। जी जी अब नए चेहरे अगर आ रहे हैं तो वो किसी वजह से नहीं आ रहे, कमाने का खाने के लिए नहीं आ रहे। मैं अपनी बात करूंगा, मैं बाखुदा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हलका 121 की बात करूंगा, आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे देखें पहचाने, मेरा बचपन, मेरी जवानी, और उम्मीद करता हूँ शायद मेरी मौत भी औरंगी में ही हो, तो आप लोग मुझे वोट दें, देखें, आजमाएं। बहुत से लोगों को आजमाया, एक दफ़ा आज़ाद उम्मीदवारों को भी आजमाएं, आज़ाद इंशाल्लाह उम्मीदवारों पे ताला भी नज़र आपको रखें, बिल्कुल बेहतर सही है। नतायज मिलेंगे। और जब जितना मैं यूथ के लिए अपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लगा सकता हूँ, हकूमती पैसे से लगाकर इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मायूस होने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। बिल्कुल ठीक है, और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हसनैन यहाँ पे मौजूद हैं, इस वजह से नहीं, जो लोग काम करना जानते हैं उनको यकीनन आसमानी की ज़रूरत है। और जैसे मैंने कहा, वैसे तो नामुमकिन है कि आप इन तमाम चीज़ों को बाल ताक़त रखें कि इसकी सियासी वाबस्तगी किसके साथ है। किसी शख्स को जानते हुए इस दफ़ा उसका इंतखाब करके देखिए कि जो आपके इलाके के लिए वाकईतन काम कर सकता हो।
उसका चाहे ताल्लुक किसी सियासी जमात से ही क्यों ना हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी जो पसंदीदा सियासी जमात है उससे ही उसका ताल्लुक हो। अगर ऐसा नहीं है किसी और जमात के लिए भी अगर वो है और वाक़ता अगर आप समझते हैं कि आपके इलाके के लिए वो काम कर सकता है, तो एक दफ़ा ऐसे भी शख्स को मुंतखब करके ज़रूर देखिए। और इसके लिए ये ज़रूरी भी नहीं है कि उसकी वाबस्तगी किसी सियासी जमात के साथ हो। आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जैसे हसनैन यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए, ये आज़ाद हैसियत में लड़ना है। तो वैसे तो मुझे होता हुआ मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे जहन इस हद तक आलूदा हो चुके हैं। जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि मेरी बात जो है बहुत ज़्यादा चुभती है लोगों को, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल को, कि वो जो सोशल मीडिया पे उनको जो कुछ पढ़ाया गया, जो कुछ उनको तस्वीरें दिखाई गईं फ़ोटोशॉप के ज़रिए बना के और दीगर चीज़ों से, उसको उन्होंने मिनोअन तस्लीम किया। जो कुछ उनको सिखाया गया कि अपने अलावा सारी दुनिया को चोर कहा जाए, वो उसके ऊपर चल पड़े, और नतीजा यही है कि सियासी तौर पर इस हद तक पसमानदा हैं कि अगर आप उनसे अगर किसी मुबाइसे में अगर उनसे बात कर लें तो उनके पास से जो बातें आती हैं उस पर अफसोस करना पड़ता है। इससे ज़्यादा और क्या किया जा सकता है? ज़रा फरमाइए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल? तो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, फोटो बनवा रहे हैं जाकर। ज़रूरी है बिल्कुल, ये तो ज़रूरी हो गया। मज़ारे क़ाइम पे तस्वीरें बनाई, खाने के बाद पानी ज़रूरी है, उस तरह सोशल मीडिया ज़रूरी हो गया। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोग करते हैं, ये इनसे करवाया जाता है। पेड वर्कर्स होते हैं, पेड वर्कर्स होते हैं, कोई मंथली होते हैं, कोई पर पोस्ट होते हैं, लेकिन करवाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ इस्तेमाल करें, आप जो सच्ची खबरें हैं, जो सच्ची न्यूज़ है वो बताएं। किसी को गिराने के लिए, किसी को जलाने के लिए, किसी को तकलीफ पहुँचाने के लिए ना करें। आप अपने आप को अच्छा ना करें, ये आप एक गिबत कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, अपनी अपनी बुराई में इजाफा कर रहे हैं। नहीं, उसको तो बुरा समझा नहीं जाता ना, वो तो अपने अलावा जितने सियासी मुखालफिन हैं उनको चोर कह दिया ना। आपने देखा ना छोटे छोटे बच्चे वो खड़े हो गए, वो एक मैं देखता हूँ, मैं आज भी अफसोस करता हूँ कि एतज़ाज़ और सफ़ार एहसन इकबाल साहब, एतज़ाज़ का मेरे मुंह से निकल गया। तो वो एक जगह कहीं गए और उनके ऊपर वो बच्ची छोटी सी जिसको पता नहीं दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, उन्होंने चोर चोर के नारे, आप यकीन करें इससे पता ये चला, अंदाज़ा उस दिन ये हुआ कि हम सियासी तौर पे शऊर के हवाले से हमें बिल्कुल तबाह करके रख दिया गया। सुनामी उसके ऊपर फेंक दिया गया, आज ही के दिन वो सुनामी जो इस्तेलाब किस्म की अवेयरनेस दी जा रही है। जी जी, आप बताइए। अगली पार्टी के खिलाफ जी, इसके इस सोशल मीडिया के तवसुत से कि ये चोर है, ये वो है, आप इसको ये तालीम नहीं दे रहे? आप आईटी का कोर्स करें जी, आप बिजनेस कोर्स करें, बिजनेस जाएं, एमबीए आपने किया हुआ है तो आप आईटी का कोर्स करके 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार, 80-80 हज़ार, मैंने देखा है मेरे दोस्तों में 4-4.5-4.5 लाख रुपए के लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। वो कहाँ से आए भाई? मैं आईटी का कोर्स किया था मैंने 3 महीने का, और ये मैं अपना काम कर रहा हूँ घर पर। आप इस तरह की अवेयरनेस दें ना, आप हुकूमत को ये बोलें कि आपकी हुकूमत है, आप ये नौजवान है, ये लिस्ट है, आप इनको लैपटॉप मुहैया करें, ये अपना रोजगार करेंगे। ये बातें नहीं करते वो, उनको पूरे 5 साल यही होता है, पूरे 5 साल ये होता है। जो अपोजिशन में आ जाते हैं उनको तो एक टास्क मिल जाती है कि भाई इसको गंदा करना है और इसकी हुकूमत को गिराना है। 5 साल पूरे नहीं होना था, ये उनको लाजमी टास्क होता है भाई, ये आपकी जिम्मेदारी है, 5 साल पूरे नहीं करने। फिर जब अगर वही दोबारा हुकूमत में आ जाते हैं फिर पिछले वाले जो हैं वो उनके पीछे लग जाते हैं। अच्छा, बड़ा ये मुझे याद आया, उसमें बड़ा अच्छा रोजगार लगा हुआ था जब ये सोशल मीडिया के सारे चैंपियन बने हुए थे ना, ये 2018 के अंदर जो पीटीआई की हुकूमत मुंतखब हुई थी, मुझे कहने दीजिए, मैं उनसे थोड़ी कोई वो है। तो किराए के ऊपर बच्चों को रखा गया, सरकारी ख़जाने से तनख्वाहें दी गई कि इनके फॉलोअर्स बढ़ाओ, इनके लाइक्स बढ़ाओ, इनकी पोस्टों को ज़्यादा तुम उसमें आम करो, ये सारे धंधे इधर चल रहे थे। सरकारी ख़जाने से बच्चों को हायर करके रखा गया और फिर इस तरह जो आलूदा किया गया, जो ज़हनी आलूदगी की मैं बात कर रहा हूँ, इस तरह आलूदा। फिर वो जब पकड़े गए, ये मिनिस्टर जो अभी सारे भागे हैं ना यहाँ से, जो फ़रार हुए, तो पता ये चला कि एक एक के पीछे लाखों जाली फॉलोअर्स थे जो ये चल रहे थे, जो इस पर आज ये डिस्को डांस करते हैं कि जनाब हमने जो है वो जलसा किया, करोड़ों लोग देख रहे हैं, ये सब टोपी ड्रामे यहाँ पे चल रहे थे। वो पाकिस्तान में तो ज़्यादा लोगों को नहीं पता कि वो सोशल मीडिया क्या है, बच्चों को ज़्यादा इल्म है, ये काम यहाँ पे चलते रहे। फरमाइए। 80% लोग स्टेज पर आकर जो नुमाइंदा होते हैं या जो नुमाइंदा जीतने के बाद उनका तो शोभा ये हो जाता है कि हमें मेहमाने खुसूसी बनना है। जी जी जी, मेहमाने खुसूसी बनना है, मुझे हार पहनाया जाए, हार पहनाया, मुझे 2-4 लफ्ज बोलने हैं, वो लफ्ज जो मुझे झूठ बोलने हैं, जो मुझे करना नहीं है वो गिनवाने, वो गिनवाने, वो उनका काम ये हो जाता है। और दूसरी बात, जब सियासी पार्टियां आती हैं, आवाम से मुखातिब हूँ, आवाम सबसे सियासी पार्टियां आती हैं, तो वो नुमाइंदा अपनी मर्जी से एक कदम भी नहीं चलाता, वो जो आपके सियासी पार्टी के कायदीन होते हैं उनके मशवरे से करना होता है। अब वो इलाके में जाने से पहले भी अपने कायदीन को बोलता है कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, लेकिन आज़ाद उम्मीदवार ये होता है कि आप उसके घर पे नॉक करेंगे 12 बजे सुबह करेंगे, जब भी करेंगे वो आपकी कॉल उठाएगा, आपसे मिलेगा, क्योंकि उसको किसी को हिसाब नहीं देना, उसको किसी का डर नहीं है। कायदीन के पास आपको आपके जो बजट
हैजर्ड है वो भी देना है कि भाई आपको अगर इतने करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो पहले तो आप यहाँ पार्टी के फंड में इतना डाल दें, बाकी आपने अगर लेना है तो ले लें, बाकी आप थोड़ा बहुत लगा दें, तस्वीरें खिंचवा लें, क्योंकि तस्वीरें खिंचाना भी एक फन है ना, वो फन में माहिर होते हैं सियासी हमारे लीडरान माशाल्लाह, एक तख्ती लगा के उतार के दूसरी तख्ती लगा के तस्वीर खिंचवा लेते हैं। आप तो देखा है मैंने कि जो पर्दे होते हैं उसको भी अपने हाथों से हटाते हैं क्या कि मेरा नाम नुमाया हो जाए। तो भाई आप अपनी नाम और नमूद के लिए नहीं आ रहे, आप अवामी खिदमत के लिए आ रहे हैं, तो अवामी खिदमत करें और दुआएं लें, अपनी आखिरत संवारें। बहुत अच्छी बात है। असल इलाके का देरीना मसला भी मेरे इल्म में तो यकीनन है, देखने वालों को ज़रा पता चल जाए कि क्या मसला है और कितने अरसे से है, क्या अब तक कुछ हो चुका है? क्यों मज़ाफ़ाती इलाकों के नाम आते हैं ना, जो शहर के बीच में वस्त में रहने वाले लोग हैं या फिर पुल के उस पार रहने वाले हैं, वो नाम से खौफज़दा होते हैं कि यहाँ जाना है, हालात ऐसे हैं, चोरी चकारी बहुत है, सियासी जमातों के कारकुनान जो है वो खड़े होंगे, ऐसा कुछ तासुर मिलता है, क्या वाकई ये मसाइल हैं? सर ये बिल्कुल है, ये वो हैं। इसमें आपने देखा होगा बहुत से डाकू या चोर या छिताई करते हुए, जिसको हम बोलते हैं गन पॉइंट पे छीन रहे हैं, उनको आप पता करें, उनको पकड़ें, पता चलेगा वो तो MBA है, वो ग्रेजुएट किया हुआ, उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, कुछ ऐसे केसेस वो उनसे पूछें तो उनसे पता चलता है यार हमारे घर में बीमार है मेरी वालदा, दवाई लेनी थी, मुझे मजबूरन ये कर रहा है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम में पकड़ा गया हूँ। तो लोग इस फील्ड में, इसको फील्ड ही बोलेंगे अब, इस फील्ड में मजबूरन लोग आए बेचारे और मारे भी जा रहे हैं, मार भी रहे हैं, अब वो अपने खौफ से अपनी जान बचाने के लिए, यार मैं पकड़ा गया तो मेरे पूरे खानदान की बदनामी होगी, तो वो सब फायर करके उस बंदे को उड़ा देते हैं। लोग इस गहराई में, हुकूमत इस गहराई में नहीं जाती, हुकूमत हम मुझे नंबर प्लेट की वजह से तो गाड़ी में रोक रही है, उन चोर डाकू को नहीं पकड़ रही, उन चोर डाकू को गुजरने के बाद होने के बाद शोर शबा आधे घंटे के बाद मोबाइल लगती है, रेंजर्स वाले आते हैं, जो भी आते हैं फोर्सेज आती है वो आते हैं, आप भाई आप उनको पकड़ो ना, आप ये गुजरती हुई गाड़ियों को रोक कर उसके सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ आपने, ये सब इसमें के लिए टाइम ज़ाया कर रहे हो, और आप पुलिस वालों को आपका क्या काम है किसी को रोक कर कागजात चेक करना और ये चेक करना, आपकी जिम्मेदारी नहीं है ना, एक अलग डिपार्ट बना हुआ है ट्रैफिक कांस्टेबल्स का, वो कर रहे हैं वो काम, आप भी वही काम कर रहे हैं, रेंजर्स भी वही काम कर रही है, सब एक ही काम में लगे हुए हैं, मकसद क्या है? बिल्कुल सही। मिनिस्टर्स कहाँ हैं? मिनिस्टर्स क्यों नहीं देख रहे इन चीज़ों को? आवाम को और कितनी परेशानी है, अपना आवाम या पानी है, पानी खरीद कर पी रही है, पानी पानी नल में नहीं आ रहे, टैंकर्स में आ रहे हैं, वही मीठा पानी है, कहाँ से आ रहा है? बिजली जनरेटर से हासिल करते हैं सिक्योरिटी के लिए, बिल्कुल सोलर लगाना पड़ता है, हर चीज के लिए, हर चीज के लिए। मैं तो शॉर्टली बोलूंगा, मुल्क जो है अल्लाह के हुक्म से आवाम चला रही है, हुकूमत के बस की बात नहीं है, आवाम मेहनत कर रही है, खुद खा रही है, खुद कमा रही है, अब तो घरों में पौधे और वो लगाए जा रहे हैं, सब्जियों की खेती बाड़ी से बचने के लिए कि जो यार महंगाई है और मसनूई महंगाई जो की जाती है, बिल्कुल महंगाई को कंट्रोल नहीं कर रहे, पानी के मसले को हल नहीं कर रहे, गैस की लोड शेडिंग कम नहीं कर रहे, हालांकि भरपूर है गैस पाकिस्तान। हसन एक ब्रेक के लिए जाना हुआ, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी है और मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए जनाब सैयद हसनैन साहब, और हसनैन जो है एक बेहतरीन सोशल एक्टिविस्ट हैं, काम कर रहे हैं, वो इसलिए कहना पड़ता है, वो इस वजह से नहीं कि मेरे शो में आज मेहमान की हैसियत से, मैं इनको जानता हूँ काफ़ी अरसे से, और जैसे मैंने कहा कि खेलों के हवाले से, दीगर कामों के हवाले से हमेशा अपने इलाके में पेश पेश रहे हैं, जाना पहचाना नाम भी है, और PS 121 इनकी जो है वो हल्का है, कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको कहा जाता है, वहाँ से ही आम इंतखाबात जो होंगे उसमें हिस्सा लेंगे। ये सियासी शऊर की बात हो रही थी हसनैन, जैसे मैंने अभी ब्रेक के दौरान कहा कि वो एक एजेंडा चल रहा है एक सियासी जमात का, अब वो मजलूमियत का टैग चिपक चुका है, तो वो ऐसा लगता है कि जो मजलूम है वही सही है, बाज़ औक़ात ये भी हमें देखना पड़ता है कि अगर मजलूम है तो कहीं अपने करतूतों की वजह से तो आज इस हाल पे तो नहीं पहुंचा, हमने तो हर उस शख्स को मजलूम बना देना है जो शायद किसी वजह से सज़ा काट रहा है, बहरहाल ये एक अलग मामला है। सियासी शऊर जो है मेरा ख्याल नहीं है कि मैं इस वक्त देख रहा हूँ, लोग कहते ज़रूर हैं, हाँ सोशल मीडिया पे कुछ मामला आ जाते हैं जिसको लोग कहते हैं कि सियासी शऊर है, मेरा ख्याल ऐसा इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ज़रा फरमाइएगा क्या सोच कर जब हम भी वोट डाला करते थे, क्या हम इन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखते थे कि कौन शख्स है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, उसका किरदार कैसा है, इलाके को कितना जानता है, इसकी क्या रेपुटेशन है, और सबसे ज़रूरी है क्या इलाके का रहने वाला है, वो तमाम चीज़ें देखी जाती थी, हम तो ये कभी नहीं देखते रहे, अपने हल्के से लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं?
बहुत अच्छी बात की, और ये मैं खुद से ही टॉपिक निकालने वाला था, आपने पूछ लिया, बड़ी अच्छी बात है। पहले जब मैं बच्चा था, जब स्कूल के दौर में, मैं बता रहा हूँ, उस वक्त आज़ाद उम्मीदवार जीता करते थे। वो इसलिए जीता करते थे, वो इलाकाई होते थे, उनको जी पता होता था कि सुबह ब्रश भी मेरे सामने कर रहा है ऐसा ही और है, रात को बताकर सोने के लिए भी मेरे सामने इधर जा ही रहा है, आएगा और मेरे मोहल्ले में रहता मोहल्ले है। में जा रहा है। अब सोशल मीडिया के जरिए लोगों पे ये जहनों में ये डाला जा रहा है, नहीं इलेक्शन तो नहीं होने, इलेक्शन तो बलदियाती इलेक्शन की तरह हो रहे हैं, इलेक्शन तो आगे जाएंगे। वो जी जहन जा रहा है कि लोग अब चाह रहे हैं कि इनको वोट देना है, तो वो उनका जहन डाइवर्ट हो जा रहा है। मैं ठीक अब है। वो उनका मसला ये होता है, उनका उनका तासुर ये देना है कि भाई आप देखें इधर उधर ना जाएं, जो है ना बस आप डाल दीजिएगा, जाकर बिल्कुल ठीक है, डाल दीजिएगा बिल्कुल उनको, असल, जो मेरे आपके अपने हम जबान हैं। हाँ भाई हम जबान तो मैं भी हूँ, मैं भी बिल्कुल उर्दू सही, बोल रहा हूँ, बिल्कुल तो ठीक है, मतलब आपको फ़र्ज़ है फिर मुझे तो वोट डालें। सही आप है। इस तरह ना देखें, आप ये देखें कौन आपके इलाके में है, कौन आपके साथ है, कौन आपकी परेशानियों में, कौन मुश्किलात में, कौन आपके दुख में आपके साथ खड़ा हुआ है। मतलब गजब खुदा का, यहाँ तो मैंने यहाँ तक पढ़ा है अपनों का वोट अपनों के लिए अपनों में, इस किस्म की भी हरकतें हुई हैं, और फिर जो नतीजा निकला वो आपके सामने शहर कराची बता रहा है नहीं जी। डायलॉग है, ये सब डायलॉग हैं, ये कुछ पार्टियां ऐसी वजीर हैं। आजम कराची से, वो वजीर आजम मुंतखब होकर गए, वो वापस आने के लिए तैयार नहीं है, उनको धक्के देकर भेजा गया कि जाओ कराची में जाओ, कुछ यहाँ से तुम पार्टियां हैं, आवाम जी। को मैं बोलूंगा, आवाम देखें जागें, आवाम को जागना होगा। आवाम देखें झंडे, ये पेनाफ्लेक्स, ये पोस्टर्स, ये बैनर्स, ये करोड़ों में बनते हैं, जी पूरे जी कराची में जो लगाए जाते हैं ना, करोड़ों में लगाए जाते हैं। करोड़ों रुपया खर्च ये होता है हमदर्द नहीं है आपके, जी, ये करोड़ रुपये उठा के आप उनको बोलें भाई मेरी गली सही कर दो इस पैसे नहीं से, मैं होगा। आप इस पूरी गली आपको वोट देंगी। आप इस तरह की बातें करें, ये करोड़ रुपए लगा के भाई अगला 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 चेयरमैन अगला वो होगा, अब यूथ हमारी साथ दें, आप देखें पूरा कराची भरा हुआ है मुख्तलिफ झंडों का। मैंने ये अज्यूम किया है, ये समझा है कि कुछ इलाके ऐसे हैं कि मंथली उनको हर पार्टी को दिया जाता है कि इस महीने जी आपके झंडे नजर आएंगे, ऐसा ही इसके है, बाद आपके झंडे नजर आएंगे, इसके बाद आपके झंडे नजर वाह आएंगे। तो वो झंडे जो हैं करोड़ों रुपए के बनते हैं, वो करोड़ों रुपए भाई आप किसी मोहल्ले में लगा दें, गलियों में लगा दें, वाह, तो वो सारी गली वाले आपको हमदर्द भी देंगे, दुआएं भी देंगे और वोट भी देंगे। बिल्कुल वो ऐसा ही, आपका वोट पक्का होगा, आप सीना चौड़ा करके चलेंगे, हाँ मैंने अपनी मेहनत से ये वोट हासिल किए, वाह ये अपनी मेहनत से ये सीट हासिल की है। जी, आप लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए, बहुत बन गए लोग बेवकूफ़। आवाम खुदारा अब अपने बच्चों के खातिर, अपने खातिर कब तक रोना धोना करेंगे। अच्छे लोगों को चुने, अच्छे लोगों को लाएं, अच्छे लोग मेरे नहीं, अच्छे लोग हर हलके में खड़े होते हैं, उनको खड़े होने, बाद में ये बयान देते हैं ना कि जब अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुरे लोग ही आएंगे, तो अच्छे लोग तो आए हुए, आप उनको पहचाने, आप उनको देखें, आपके पास दिमाग है, 5,000 के नोट के बजाय आपको वो 100 का नोट कोई देता है तो वो आप पहचान लेते हैं, भाई मुझे तो 5,000 देने थे आपको, आप 100 क्यों दे रहे हैं। तो वाह आपके सामने अच्छे लोग भी खड़े हैं, आप उनको पहचाने, आप बचपना ना दिखाएं, आप होशियारी ना करें, आप आवाम में आप सबक सीख गए। 15 साल से आप कहते हैं एक पार्टी 15 साल से कुछ नहीं कर रही, एक पार्टी आपकी पार्टी तो कितने साल से, आप वो देखें। मैं सियासी नहीं हूँ इसलिए नाम नहीं ले रहा, मैं आवाम हूँ, आवाम की तर्जुमानी कर रहा हूँ। आप कितनी पार्टियां कितने सालों से हैं सब देख लें आप, और कौन कौन सी पार्टियां क्या थे, कहाँ से उठकर किस 12 बाई 12 के कमरे से निकलकर महलों में चले गए, वो पैसे कहाँ से आए, कोई पूछने वाला है? देखिए आप पूछें, ये मैं एक, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ से घर जा सकूंगा नहीं जा सकूंगा, लेकिन जो हकीकी बात है, कम से कम अल्लाह की नज़र में सुरखरू तो होऊंगा कि आवाम का लीडर बन के अगर बैठा है टीवी पर तो आवामी बातें तो कर रहा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आवामी बातें तो करें, यहाँ तो वही रिवायती बयानात हैं, नारे हैं, और यही सिलसिला है जो कुछ होता है। ये आप ये समझ लें कि ये बताने का मकसद ये, तो ये तो खैर हसनैन अपने लिए वोट मांग रहे हैं और सही है आप मांग रहे हैं, लेकिन मैं जो कोशिश कर रहा हूँ ये कि सियासी शऊर को जो है वो उजागर किया जाए, बेदार किया जाए, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बात को समझने की खुदारा कोशिश करें। यहाँ पे कोई भी जो इस वक्त मजलूम बने बैठे हैं मजलूम नहीं है, सबके मामला आप बखूबी वाकिफ़ हैं, आपके भी अब बहुत सारी चीज़ें इल्म हैं, आप बस उसको नज़रअंदाज इसलिए कर रहे हैं, और खुदारा इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए कि वो उससे तो बेहतर है, अगर वो कम उसने चोरी की है तो उसने कम चोरी की है, उसने 4 घड़ियाँ चुराई थी तो मेरे वाले ने 1 घड़ी चुराई है, तो इन चीज़ों से बाहर आ जाएँ, इन तमाम चीज़ों को छोड़ेंगे तो फिर मामला बेहतर होंगे। और ये भी समझ लीजिए कि उसके कहने से किसी को चोर कह देना कि उसने कहा कि ये चोर है तो मैं इसके पीछे लग जाऊं, इन चीज़ों से बाहर आएँ, यकीनन इतना आसान नहीं है आपके लिए, अभी आपको जो दिमाग है वो इजाज़त नहीं दे रहा होगा, मेरी बातें भी यकीनन बहुत सारी तल्ख लग रही होंगी कि ये पता नहीं किस किस्म की बातें कर रहा है, लेकिन अगर आपको अगर कभी सोचने का मौका मिले तन्हाई में बैठ के, तो ज़रा सोचिएगा कि आपके लिए कौन क्या कुछ कर सकता है, क्या ये मुल्क के लिए वाकईतन संजीदा हैं, मुखलिस हैं, जिस नौयत के केसेस में आ चुके हैं, क्या ये वही मामलात नहीं हैं जो दूसरों के लिए जो होते थे, आज आपको लगता है कि इनके इनके साथ कुछ किया जा रहा है, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि दूसरों के साथ भी यही कुछ किया गया हो जो इनके साथ हो रहा है? तो इन तमाम चीज़ों के बारे में ज़रा संजीदगी से सोचें, और सोचें ज़रूर, क्योंकि आपने सोचने समझने का जो काम है इसको तर्क कर रखा है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हसन फरमाइए, मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि
इंतखाबात का हो जाना और फिर कराची के डायनामिक्स ये अक्सर मुख्तलिफ हैं, पूरे पाकिस्तान की मैं बात नहीं करता, वहाँ पे जिस तरह के इंतखाबात होते हैं साला साल वही सीट जीतते आ रहे हैं, दादा ने सीट जीती, बेटे ने जीती, उसके उसने जीती, ये जीती और वो चलता रहेगा, मैं इसके वो नहीं करता। कुछ जगहों पर मैंने देखा कि वाकईतन लोगों ने अपने जो उम्मीदवार है उसको सही तरह वो भी किया, ऐसा नहीं है कि उनको वोट करने की ज़रूरत है। शहरी इलाकों के अंदर पंजाब के अंदर सियासी तब्दीली देखी, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी किसी हद तक देखी, ज़्यादा तो मैंने नहीं देखी, वो भी बेचारे इन्हीं मसाइल का शिकार है। लेकिन यहाँ पर जब देखता हूँ ना इस शहर के साथ तो सबसे ज़्यादा ज़्यादती हुई है। ये वाकईतन मैं इसलिए ज़्यादा नाला हूँ कि 2018 के अंदर जो एक हुकूमत मारे वजूद में आई वो वाकईतन पहली ऐसी हुकूमत थी जो कराची से मुंतखब होकर गई थी, सदर पाकिस्तान बना, वज़ीर आज़म बना, वफाकी वज़ीरों की फ़ौज बनी, बड़े MNA यहाँ से जीते, MPA जीते, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मेरे ख्याल में जो इससे पहले कराची में होता रहा उससे ज़्यादा भयानक शक्ल कराची की निकल कर सामने आई है। क्या किया जाए, फिर किसके पास जाएँ? और मैं हमेशा कहता हूँ किससे मुंसफी चाहें, फरमाइए। यासिर भाई माजरत, पहले तो आपने कहा कि मैं अपना वोट मांग रहा हूँ। देखिए स्टेज सियासी हो या आज़ाद उम्मीदवार हो, सबसे पहले वो अपने लिए वोट मांगता है, उसी वो उस वोट मांगता है कि वो अपने आप की सलाहियत को समझते हुए वोट मांगता है, उजागर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मैं तसी कर लेता हूँ। अब जो है सियासी जो लोग आते हैं ना वो अपने कायदीन की कही हुई बातें कहते हैं, और उनका सबसे बड़ा ये होता है कि भाई अगली जो अगेंस्ट पार्टी है या अगला का आपका उम्मीदवार है उसको आपने गंदा करना है। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन बाखुदा मेरा मकसद ये नहीं होगा, मेरी तक स्पीच सुनेंगे, कॉर्नर मीटिंग करूंगा, मैं किसी की बुराई गिबत नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ अपने इलाके अपने PS के जो आवाम है उसके लिए हक की बात करनी है। इंशाल्लाह अगर असेंबली में गया तो उनके हक के लिए लड़ूंगा, फाइट करूंगा, उनके मसले मसाइल हल करूंगा। मेरा मकसद सिर्फ ये है, ना कमाना है, ना दिखाना है, ना बताना है, ना जताना है। बहुत खूब। लेकिन ये एक ऐसा दायरा है जिसके अंदर आप आ जाएंगे, जिसके अंदर जाने के बाद बड़े सारे लोगों को मैंने, अच्छे लोगों को भी देखा, जब वो उसके अंदर शामिल हो गए तो उसके बाद उनके साथ भी वही हुआ जो दूसरों के साथ होता है। समुंदर में जब कोई बंदा तैराकी के लिए जाता है ना, जरूरी नहीं है कि वो दरमियान में ही जाके पानी का मजा ले, वो किनारे में खड़े होके भी ले सकता है। किनारे पे खड़े रखने का इरादा आपने इरादा कर लिया है या सोचा कि आप खड़े होकर ही आवाज लगा कर अगर आपका काम हो जा रहा है तो आपको जरूरी नहीं है आप बीच में जाएं। और अगर जाना ना गुजर हो जाए फिर क्या किया जाए, आपको डूबने का खतरा हो। लेकिन जब इस फील्ड में मैं कोई जाता है, जब तैराकी वो जब समुद्र में कूदता है यकीनन उसको तैराकी आती होगी तो ही कूदता है वो, तो ऐसे नहीं बंदा जा रहा होगा। और मैं अगर इंशाल्लाह जा रहा हूँ तो देखें मेरे, मैं समझ रहा हूँ कि मैं उन मिनिस्टर से अपने लिए काम करवा सकता हूँ। अच्छा चले, मान लिया जाए कि अगर मुंतखब हो जाते हैं, मौका मिला, कौन से ऐसे मसाइल सोच रखे हैं कि ये मैं उस इलाके में, क्योंकि आप रहे हैं, आपने बचपन से उन मसाइल का सामना किया, मसाइल का शिकार रहे, आप समझते हैं कि हंगामी बुनियादों के ऊपर काम किया जाएगा, या मैं अगर मुंतखब होकर गया तो उसको सबसे पहले टेकअप, सबसे पहले मेडिकल इशू पे काम करना है। बहुत खूब। सबसे पहले मेडिकल इशू पे, फिर एजुकेशन पे, फिर सड़कों पे, फिर सीवरेज पे, इस तरह से यूटिलाइज करना है। सबसे पहले हेल्थ, अगर इंसान जिंदा रहेगा तो फिर बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। बड़ी अजीब सी बात है, मैं ये सुनना चाह रहा था कि कानून साजी के लिए हिस्सा लेते, क्योंकि हमारे यहाँ होता ही है कि हमारे लोग तो शायद इस चीज़ को अभी तक नहीं समझ सके कि जो सूबाई असम्बली का या कौमी असम्बली का मेम्बर होता है उसका काम, उसके तो काम यही है ना, कानून साजी हमारे का यहाँ इस काम पर कानून साजी है, सबसे पहला काम ही कानून साजी है, वो कानून साजी। अगर कोई सियासी जमात अगर मिसाल के तौर पे ये आवाज़ उठाती है कि कराची के जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक मुंतकिल हों, बाकायदा इसके लिए कानून साजी के लिए अगर मुहिम चलानी पड़ी तो क्या उसका हिस्सा बन सकेंगे, ये फरमाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बोलूँगा कानून साजी की, सबसे पहले कानून साजी अगर मुझे मौका मिला तो जो आपको अख्तियारात मिले हैं आप उसको कहाँ कहाँ पे किस तरह से यूज़ कर रहे हैं वो आवेजा करें। जो आप पेनाफ्लेक्स बनवा रहे हैं ना झंडे के लिए, वो आप आवेजा करें कि मुझे इतना बजट मिला, मैंने यहाँ पे खर्च किया और मेरी अगले बजट में ये मैं करने वाला हूँ, ताकि आवाम भी खुश हो कि हाँ ये बंदा आया है, कोई लीडर आया है, कोई लीडर मिला है मुझे, कुछ जो शो कर रहा है। बड़ा मुनफरिद तरीका होगा, जो शो कर रहा है अपनी कारकर्दगी को अगर यहाँ पे लगाएं तो माशाल्लाह, ये होना चाहिए। 15 साल में 0/0 ही रहे हैं, ये सूरत हाल है, ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला ये होगा। बिल्कुल ठीक है, आपको लगता है कि ये होगा और अल्लाह करे ऐसा हो, ये लोगों को बात समझ में आए, जो हमारी कही हुई बातें इस वक्त तो बहुत बुरी लग रही होंगी, तो हम इसके बारे में अगर संजीदगी से सोचेंगे तो यकीन इसके ऊपर। आखिरी बात अगर कुछ कहना चाहें, मैं किसी भी सियासी पार्टी या सियासी लीडर को कुछ बुरा नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सी सियासी पार्टियों मुझे ऐसे चेहरे भी नज़र आ रहे हैं जो मुझसे भी ज़्यादा क्लीन हो, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हों। बहुत अच्छी बात, अच्छे होंगे, अच्छे होंगे, उनको दें, उनको देख लें, जिनको जो बेहतर लग रहे हैं उनको दें, आज़ाद उम्मीदवार को नहीं देना, ना दें, सियासी पार्टी को देना, सियासी पार्टी को दें, लेकिन उनको उस सियासी पार्टी को दें जिसको लग रहा हो आप नॉक करेंगे रात को, जिनके पास आप जा सकते हो आसानी से, वो आप तक
आ सकते हो आसानी से, ये ना हो कि सिर्फ सोफे सेट पर बैठकर स्टेज पर बैठने वाले हों, खिताब करके जाने वाले हों, हार पहनने वाले हों, वीगो में आए, गार्ड्स के साथ आए। अवामी लीडर तो मैं मानते ही नहीं हूँ ना उनको जो गार्ड लेकर घूमते हैं। बिल्कुल आप अवाम खिदमत के लिए आए तो पहले आप अपने आप को क्या बचा रहे हैं, क्या किया आपने, ऐसा ऐसी ऐसी सोच क्यों पैदा की अपने अंदर कि आपको गार्ड लेकर घूमना पड़ रहा है। आप अवामी लीडर हैं तो आप खुले आम घूमें ना, बिल्कुल ठीक है, आप अपने आप को शो करें। मैं विश यू ऑल द गुड लक, आपको बहुत बहुत मैं विश करूंगा कि आप अपने मकसद में कामयाब हो और अपने हलके में जाएं और अपने लोगों के लिए अगर जीत जाएं तो ज़रूर उनके लिए काम करें। नाज़रीन, ये हमारा प्रोग्राम था और बहुत सारे और दीगर मामला थे, इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे बात होगी। अब इस वक्त क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ऐसा महसूस होता है, बज़ाहिर लगता है ऐसा है कि आम इंतखाबात जो है वो करीब हैं, तो उससे पहले यही मौजूद गुफ्तगू होगा जो अमूमन आपको दीगर चैनल्स पर भी नज़र आएगा। जनाब, इसी बात के साथ इजाज़त चाहूँगा, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।